शिवम वर्मा, जिसमें कि हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर कैसे कंटेंट्स और टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, स्टेट पुलिस, स्टेट एसएससी, डीआरडीओ जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसी साथ आज का सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो होगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं भारत में, शोध संस्थान जो है उसके बारे में होगा। चलिए पहला है रिसर्च, हेडिंग डालिएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके बाद कुछ जो है इसमें प्रीवियस है और कुछ मैंने ऐड किया हुआ भी है। ये लगभग लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, जिसमें कि स्टैटिक जीके जो भी टॉपिक होता है। चलिए इसी से सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जो कि पूसा नई दिल्ली में है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोयम्बटूर में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्था जो है वो कानपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है वो लखनऊ में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है, रमन अनुसंधान संस्था जो है वो बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर है। ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेटल जो है, मेटल्स के जो कंपनियां वगैरह है वो जमशेदपुर में है, तो उस तौर पे इसे याद कर सकते हैं। और इसे इंडस्ट्री का जाना माना हब माना जाता है जमशेदपुर को। और इसे जमशेदपुर का अगर देखा जाए तो जमशेदपुर जो है वो काफ़ी ही इंडस्ट्रियल एरिया ही है, वो उसी के लिए फेमस है, टाटा जमशेदपुर जिसको बोलते हैं। तो एक टाइप से इसको समझ सकते हैं कि धातु जो है वो टाटा में बनता है, तो उसका प्रयोगशाला भी जमशेदपुर में ही होगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था जो है अहमदाबाद। कपड़ा के लिए देखें जो काफ़ी लोग हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब बोलते हैं कि मैं कपड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, तो उस तौर पे आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, तो वहाँ कपड़ा का फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कपड़ा का शोध संस्था जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो ट्रांबे मुंबई में है, जिसका कोड वर्ड जो है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। उसके बाद है भारतीय पेट्रोलियम संस्था जो है देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है देहरादून CFRI, जिसका कोड है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो कि मैसूर में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था जो कि रुकड़ी CBRI में है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था जो कि दुर्गापुर में है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था जो कि भावनगर में है, और उसका कोड है CSMCRI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो न्यू दिल्ली में है, NHAI उसका कोडवर्ड है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था, ये दृष्टि विकलांग मतलब जो आँख से विकलांग बहुत तरह के होते हैं, जो देख नहीं पाते वो विकलांग हेतु जो संस्था है, राष्ट्रीय संस्था जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह जो बोल सकते हैं इसको, वो है देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, CES जिसको बोलते हैं। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जालगोड़ा में है, और उसके बाद है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद। आप जैसे जानते हैं कि झारखंड के धनबाद में माइनिंग होता है, वो जो कि बहुत बड़े पैमाने पे होता है, भारत का सबसे बड़ा माइनिंग अगर देखा जाए तो वहीं पे है। तो अगर वो उस बेसिस पे आप याद कर सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा माइनिंग जो एरिया है वो धनबाद है, तो धनबाद ही रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा माइनिंग का। भारतीय मौसम वेधशाला जिसको कि ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, वो पुणे में है, जिसका जो है उसका कोड है, शॉर्ट कोड है, वो है IWO। भारतीय खगोल संस्था जो कि बेंगलुरु में है, उसका कोड है IIA, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी में है, और समुद्र विज्ञान को ओशनियोग्राफी कहते हैं, समुद्र विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको ओशनियोग्राफी कहते हैं, वो है उसे कहते हैं NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी। चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन होता है वो समाप्त होता है, और मैं कल लेके आऊँगा सेशन जो सी पोर्ट होगा, इंडिया के जितने सारे सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उसका कलेक्शन होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल ऐसे ही देखते रहें, और शेयर सब्सक्राइब करें, अगर कोई तरह दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट करें। और बहुत सारे गैजेट्स मैंने पहले भी बोला कि गैजेट्स मेरे पास जो है अवेलेबल नहीं है, वो मैं धीरे धीरे अवेलेबल कर लूँगा लॉकडाउन के बाद। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे जो 70 आपके जो मेरे जो 70 सब्सक्राइबर है
वो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उनका सपोर्ट बना रहा, तो मैं आज मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।